सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा जगुड़ी आ गई एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करूँ मैं सुबह के 10 बजे से। तो हम लोगों का नहाना धोना हो चुका है, बाकी आज है विजयदशमी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ विजयदशमी की, और आज एक खास दिन भी है तो बताऊँगी अभी आगे आगे। बाकी फिलहाल अभी मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ, अभी नाश्ता बनेगा और मिलवाती हूँ फिर सभी से। हेलो गाइस, तो मैं हूँ प्रिया जुगुड़ी। तो आपने हमारा कल का व्लॉग तो देख ही लिया होगा, हमने डांडिया वाला व्लॉग डाला था। तो आप सब कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही थी और मम्मा कैसी लग रही थी। और अब लगते हैं आपको मम्मा से, देखते हैं मम्मा क्या कर रही है किचन में। और आज तो एक स्पेशल डे भी है, चलो चलते हैं। हेलो मम्मा, क्या कर रहे हो? खाना बना रही हूँ। अच्छा, चावल, चावल दाल, सब्जी। फिर इसमें हेल्प कर रही है, ये देखो ये हेल्प कर रहा है। ये ऐसे रहता मेरे साथ रसोई में। आज तो कुछ स्पेशल डे भी है फिर। क्या है, क्या है भाई? तो चलो मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस, आज है मेरी मम्मी और मेरे भाई का बर्थडे। तो आप सब कमेंट में बहुत सारी विशेष देना, प्यारी प्यारी विशेष करना मम्मा को और मेरे भाई को। तो आज तो उनका बर्थडे है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बने रहे वीडियो में। चलो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। थैंक यू और सेम टू यू। हम दोनों को बर्थडे एक ही साथ आता है 12 अक्टूबर को, तो हम दोनों आपस में बोलते हैं सेम टू यू। जबकि थैंक यू बोलना चाहिए था, कैसे बोलते हैं सेम टू यू। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है, और सच बताऊँ तो जब तक प्रिंस नहीं हुआ था तब तक मैंने अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन जब से प्रिंस हुआ है तो इसके साथ साथ जो है तो मेरा भी बर्थडे मनाया जाता है। तो थैंक यू पैदा होने के लिए उसी दिन पैदा तो होना था, पर मेरा बर्थडे किसी के साथ नहीं आता। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, बाकी जो भी होगा शाम को दिखाती हूँ। वैसे तो आज दशहरा है, दशहरा की पार्टी में भी जाना था, पार्टी मतलब प्रोग्राम में। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या करना है, जो भी होगा आप लोग वीडियो में बने रहें, पता चली जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज आपको पता ही होगा कि मेरी और मेरे भाई का मेरी मम्मी का और मेरे भाई का बर्थडे है। तो आप सब बहुत सारी विशेष देना या बहुत सारी कुछ लिखना कि हैप्पी बर्थडे। तो चलो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। चलो हेलो दोस्तों, तब मिल रही हूँ आप लोगों को सीधा शाम को। और आज जो है तो दिन में तबीयत कुछ ऐसे हो रही थी तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बनाए। तो अभी शाम को मिल रही हूँ और शाम को भी खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी बनके तैयार है, और बाकी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। और प्रिया हो गई रेडी दशहरे में जाने के लिए, बाकी मैं भी फटाफट से सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद चलते हैं दशहरे में। और वहाँ से आने के बाद फिर करेंगे केक कटिंग वगैरह जो भी होगा, तो फिर बाद में करेंगे। आपके लिए सरप्राइज और एक कोई आया है स्पेशल। हाँ, वो छुप रही है, उसे कैमरे के सामने नहीं आना। ये देखो, तो मिलते हैं बाद में तैयार होके। तो मेरी सब्जी बन चुकी है, और अभी जो तो मैंने सूट भी चेंज नहीं करा क्योंकि लेट हो गए, बहुत ज़्यादा 7 बज चुके हैं जबकि 5 बजे का प्रोग्राम था। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे दशहरा का प्रोग्राम। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये लग रही है दुकान में। क्या हुआ? बच्चों के झूले वगैरह, तो हम लोग पहुँच चुके हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पे जो तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बाकी इंदु भी आ रखी है, प्रिया मैं और साजी भी इधर से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो प्रोग्राम का मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। आप लोग भी कीजिए, बने रहें वीडियो में।
ये सुर पे हमारी बहन जी अभी ने हम लोग दशहरे से आ चुके हैं घर और यहाँ पे जो है तो इन लोगों ने छोटा सा केक ला रखा है, बस अब वो केक कटिंग करते हैं। बाकी आज कुछ नहीं है, ना किसी को बुला रखा है, सिर्फ एक इंदु आ रखी जिसको कि मैंने बुलाया था कि दशहरा देखने जाएंगे, बाकी और किसी को ना बुलाया, बस इस बार सिंपल सा बर्थडे है। और वैसे हमारे बर्थडे में हर बार यही होता है, या तो श्राद्ध आते हैं पितृ श्राद्ध, या नवरात्रि आएगी, दशहरा, ऐसे कुछ हमारे बर्थडे के आसपास आते ही रहता है। तो हमारा बर्थडे हर साल ऐसे ही होता है। बस पतिदेव जी ने एक छोटा सा केक मंगवा रखा है, केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाची, हैप्पी बर्थडे प्रिंस, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिंस। क्या है बर्थडे? हम बढ़िया बस, इनका मुंह खराब हो गया। नहीं नहीं, मेरा टॉमी टॉमी तुम्हारा कुत्ता, मेरे टॉमी तो टॉमी तुम्हारा कुत्ता। यार गुलाब कहाँ है? नहीं नहीं, अगर कोई आ रहा है हेलो कर दो। इतना बड़ा कौन खाएगा? खाना पड़ेगा भाई। नहीं, खाओ भाई। वही पे रख दो, अभी ना वही तो फोटो भी खींच रहे प्रिंस दिव्यांश, फोटो भी लेना है। नीचे ना प्लेट ले आता भाई। नहीं पहले बेटा है, पहले बेटा ही है। क्या कर रहे हैं भाई? ले भाई, केक काट रहे हैं। थैंक यू ना भाई, ना भाई। अरे आज थोड़ा तो बनता है, मुंह मिट्टू की मुंह मिट्टा, मुंह मिट्टा, क्योंकि बर्थडे पे डिस्कवर मेरे को गिफ्ट है। चलो गाइस, यहाँ पे गिफ्ट आ गए, सारा ले ले पापा की तरफ से। लोग देख रहे हैं, इस महीने भैया बर्थडे भी आ गया, करवा चौथ भी आ गया, दीपावली भी आ गई, और एक दो शादी भी आ गई, धनतेरस भी आ गया। हाँ कहाँ से करेंगे, महामंदी चल रही है, चाची कहाँ से चलेंगे, महामंदी चल रही है आज कल। पहले पंडित जी काम, पैसा नहीं है, ये ब्रेक ही नहीं है।
ये किधर देख, किधर देख, प्रिंस दिव्यांशु बारी बारी। अरे खा लो, अबे गाने लगाना तो उस पे ना। तो यहाँ पे सबने केक खिला दिया, मैं बच गई। अब पीने की बारी, अब पूरा केक उठा के मुंह पे लगा। आज अपने दी नहीं, गलत बात। कौन है, कौन है सारे? आप केक काटो यार। अरे प्रिया को डर लग रहा केक खिलाने में। वो तो ले कुछ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्ती क्या पता मुझे खा रहा है केक। थैंक यू। मुंह में डाल, मुंह पे मत लगा। इससे अच्छा मैं खा लूं। उसको मन खुश हो रहा कि मेरे को खिलाए कोई। मम्मा बोल आज बहुत हो गया। तो हम लोगों की बर्थडे पार्टी, सिंपल बर्थडे पार्टी किसी की। अरे अरे प्रिय प्रिय, दोनों हाथ, दोनों का सा, आधा आधा हाफ। आप ये देख रहे हैं प्रिंस, हाफ आप चॉकलेट, चॉकलेट और क्या नहीं खाने। तो चलिए जी, आज का बर्थडे हो चुका है, बाकी अब मिलेंगे अगले साल। आज का बर्थडे, इस साल का। अब कल का बर्थडे आपसे अगले साल मिलेंगे। अब किसका बर्थडे आएगा, प्रिया का? अगले साल हमारे बर्थडे में क्या आता है, कुछ ऐसे ही आएगा, है ना प्रिया का? हर बार यही होता है। तो दोस्तों अब विदाई लेते हैं, विदाई भी लेते हैं। फोन भी आ रहा है मेरा बार बार, तो देखते हैं किसका फोन आ रहा है। फोन याद कर रहे हैं। तो दोस्तों केक कटिंग के बाद जो है यहाँ पे बच्चे लोग, सभी लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो वो सब कह रहे हैं कि ये सारी वीडियो तो ब्लॉग में मत डालना, इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। मतलब वीडियो तो बहुत सारी बनाई लेकिन मना करा उन्होंने, इन दोनों ने भी ये सारी वीडियो ब्लॉग में मत डालना। तो बस अब मैं रोटी बनाती हूँ, तो वो लोग तो अपना डांस कर रहे हैं, बाकी मैं तब तक रोटी बनाती हूँ। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।